हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ रिम्पा कौर एंड आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कट क्रीज स्टैम्प कैसे यूज़ कर सकते हो. सो ये स्टैम्प मैंने ईबे से ख़रीदा है एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 200 बात, वो अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपीज़ होता है. आपको चीपर भी मिल जाएगा और दूसरा स्टाइल का भी मिल जाएगा. सो जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने पहले आई शेडो लगा लिया है, फिर कट क्रीज स्टैम्प के ऊपर मैंने कंसीलर लगा के वो स्टैम्प को अपने आई लिड पर मैंने स्टैम्प कर लिया. सो फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप ये स्टैम्प यूज़ कर रहे हो तो कंसीलर ज़्यादा करके लगाइए, क्योंकि फिर आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे दूसरी तरफ से मैंने कम कंसीलर लगाया तो वो स्टैम्प कुछ अच्छी तरह से नहीं लगा. तो आप अगर ज़्यादा कंसीलर लगा के अपने जो स्टैम्प को थोड़ा सा शेक कर लेते हो तो वो कंसीलर ठीक से लग जाता है. सो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कंसीलर लेके ब्रश से उसे फिल कर लिया है एंड यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर उसके ऊपर मैंने आई शेडो लगा लिया है. एंड अगर आप ग्लिटर लगा रहे हो तो ग्लिटर के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपने आईलिड पे ग्लिटर ग्लू लगा के फिर ग्लिटर अपने स्टैम्प में भी लगा लीजिए. सो वो अच्छी तरह से फिर लग जाता है. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए एंड ऑल्सो कमेंट एंड शेयर करें. एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में आपको बेल नोटिफिकेशन भी दिखेगा, वो आइकॉन को आप प्रेस कर लीजिए. सो जब भी मैं अपलोड करूँगी वीडियो आप लोगों को नोटिफाई हो जाएगा. एंड आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो, मेरा आईडी है rimpa_kaur. सो गाइज, अगर आप लोग मेकअप में नए हो एंड आप लोग को सीखना है कि आप कट क्रीज कैसे लगा सकते हो, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये स्टैम्प ज़रूर खरीदिए. ये आपको ईबे में आसानी से मिल जाता है एंड आपको चीपर रेट में भी मिल जाएगा. सो जैसे आप देख रहे हैं ये आई शेडो बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप इसको पार्टी में भी लगा सकते हो. सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय.